लेकिन अगर आपने ये बताई हुई मेरी टिप्स को 21 दिन तक लगातार अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया, तो अगर आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, ड्रीम जॉब, ड्रीम हाउस, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो विद इन अ 21 डेज आपके पास आ जाएगा, चाहे वो आपका कितना भी मुश्किल ड्रीम क्यों ना हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके अपनी लाइफ में अपनी मनपसंद चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। आज का टॉपिक है कुछ भी मैनिफेस्ट होगा सिर्फ 21 दिनों में। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैनिफेस्टिंग का मतलब होता है अपने थॉट और फीलिंग को पॉजिटिव बना के अपने गोल्स को अचीव करना। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो सिर्फ 21 डेज के अंदर अंदर। सबसे पहले तो आपको अपने गोल्स को क्लियर करना होगा। क्या आपको एक नया जॉब चाहिए, या फिर वेट लूज करना है, या फिर कोई भी गोल हो, उसको क्लियर करने के बाद आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना होगा। मतलब आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ग्रेटफुल होना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो सबसे पहले अपने गोल्स को लिखिए कि आप किस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, क्या आप उसके लिए सही एक्शंस ले रहे हो, क्या आपके पास प्रॉपर नॉलेज स्किल्स है उस कंपनी में जहां आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हो। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देते हो। इसलिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप अभी अपनी लाइफ की जिस भी करंट सिचुएशन में हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसके प्रति सिर्फ एक बार ईश्वर को शुक्रिया अदा करो कि थैंक यू सो मच, आपने अगर मेरी लाइफ में ये सिचुएशन डाली है, सो इसका जो भी लेसन मिलने वाला है मैं उसके लिए रेडी हूँ। क्योंकि याद रखें, हमेशा अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है, स्पेशली जब वो हमारे फेवर में नहीं होती है, सो याद रखें कि ये सिचुएशन आपको कुछ लाइफ लेसन बताने के लिए आई है। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप चीज़ों को प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। यहाँ हमने बात करी सबसे पहले स्टेप के बारे में, अपने गोल्स को क्लियर करना होगा और अपनी चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल होना होगा। सेकेंड स्टेप है, अब आपको डेली अफर्मेशंस के थ्रू अपने थॉट को पॉजिटिव बनाना है। आपको डेली अफर्मेशन बोलते हैं, जैसे कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं अपने लिए एक फिट और हेल्दी पर्सन हूँ। ये अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा आप कुछ और स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है विजुलाइजेशन करना। विजुलाइजेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको डेली अपने गोल्स को विजुलाइज करना होगा। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के बाद वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस को फील करना होगा, जैसे कि आप सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हो। अगर आप एक बिजनेस को अपने ग्रोथ देना चाहते हो, तो आपको रात को सोने से पहले ये विजुलाइज करना होगा कि फाइनली मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा है। और इस फीलिंग को आपको डेली अपने माइंड में एब्जॉर्ब करना है, डेली फील करना है कि आपका जो बिजनेस है, आप एक्स वाई जेड, जैसे मैंने कहा, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज़ के प्रति पॉजिटिव सोचे कि ऑलरेडी वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना होगा। इससे आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव चीज़ें लिखते रहेंगे, या आपके थॉट को पॉजिटिव बनाएगा और आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। याद रखें, ग्रेटिट्यूड जर्नल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप वो लिंक में क्लिक करके मेरे डायरेक्ट उस वीडियो में जा सकते हो। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप अपने 21 दिनों में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा सा रिकैप करते हैं 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मैंने इस वीडियो में समझाए। सबसे पहला है अपने गोल के प्रति क्लियर होना, क्योंकि हम सबकी बहुत सारी विशेस रहती हैं, इसलिए उन विशेस को चुनिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, या फिर आपकी फाइनेंस, या फिर आपकी ज़िंदगी। ये सब तमाम चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, अफर्मेशंस, पॉजिटिव सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड, विजुलाइजेशन करिए। और फोर्थ, ग्रेटिट्यूड लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये 4 स्टेप हैं। अगर आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ
पूरे 21 डेज लगातार अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, चाहे आपके पास 24 घंटे में कितना भी समय हो, आप इसे इन चार स्टेप्स को इजीली अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो। सो ये था वीडियो, 21 दिनों में आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई होप आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। थैंक यू।